year old body boy. What did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happened here. I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen, the other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I seek what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आज है रवि का बर्थडे और मैं हूँ बालकनी में। और आज का जो प्लान है कि हम लोग लंच पे जाएंगे बाहर, और कहाँ जाएंगे वो सब आपको पता चलेगा आगे वीडियो में। तो वीडियो में बने रहिए। अभी थोड़ा लेट हम लोग उठे हैं और मैं और टुकू रवि उठ गए थे क्योंकि सुबह से ही कॉल आ रहा है उनका बर्थडे विशेज के लिए, तो वो उठ गए थे काफ़ी पहले। और साथ में उनका एक्सरसाइज वगैरह रहता है तो वो कर रहे थे। आज वेदर भी थोड़ा अच्छा है और पूरा सनी है, दिखाती हूँ मैं। और यहाँ पे ना प्ले एरिया ऑलमोस्ट बन चुका है। जो है अभी का ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि मैं और रवि जो है हमारा ब्रेकफास्ट जो है स्किप करेंगे, और टुकू के लिए ब्रेकफास्ट जो है वो बनाऊंगी मैं, और उसके बाद फिर जितना जल्दी होगा वो निकलेंगे हम लोग। तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग ब्लॉग मैं डालती रहती हूँ। The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Hello, hello everyone. Birthday boy ka outfit for today. ये रहे बर्थडे बॉय और ये रही बर्थडे बॉय की बेटी। और घर बिल्कुल चकाचक है क्योंकि घर की जो मेरी क्लीनिंग थी वो बहुत पहले हो चुकी थी। तो हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं टुकू? लंच के लिए। कहाँ जा रहे हैं मोना? लंच के लिए। तो हम लोग जा रहे हैं अनलॉक जो कि ससना बिजनेस पार्क में है बैंगलोर में। तो वहां पहुंच के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हम लोग अलॉफ्ट पहुंच चुके हैं। अलॉफ्ट जो है वो होटल का नाम है जो कि मैरियट का एक वेंचर है, और जो यहाँ का रेस्टोरेंट है उसका नाम है नूक। तो हम लोग यहाँ पे डाइनिंग करने आए हैं, और यहाँ का जो एम्बियंस है आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है गाइस। और बाकी जो इसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है ना वो इसके एक डिटेल्ड वीडियो में मिल जाएगी जो कि नेक्स्ट वीडियो आएगा मेरे चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी गाइस, एंड वीडियो अभी तक अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।
हम लंच पे गए थे, तो फिर हम जो शाम में है वहाँ पे घर पे ही हमने यहाँ पे केक मंगाया है रवि के लिए। और जो ये केक है, ये है रसमलाई केक। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी इसको ट्राई करने का, बट मौका नहीं मिल रहा था, तो फाइनली रवि के बर्थडे पे इसको ऑर्डर किया है। केक जोन से किया है और बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पे आप देख सकते हो उसको पैक करके भेजा है। वो डबल जो टेप होता है ना, वो साइड में भी वहाँ पे मार दिया है, ताकि जो केक है ना वो बहुत बार क्या होता है कि वो इधर उधर हिल डुल जाता है और केक ख़राब हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और केक भी बहुत सुंदर है, वाइट कलर में है और आप देख सकते हो ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये सबसे गार्निश्ड है। और यहाँ पे ना मैसेज में डालना भूल गई, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था और वहाँ पे कोई ऑप्शन भी नहीं आया था। मैं जोमेटो से मैंने ऑर्डर किया था, तो मैंने यहाँ पे ना हर्षी सिरप जो होता है ना उससे यहाँ पे हार्ट बनाने की कोशिश की है, बट ठीक ठाक हुआ उतना। ओके बाद में ये थोड़ा फैल भी गया, आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा, बट एटलीस्ट मैंने ट्राई किया कुछ तो अच्छा है, सब अच्छा ही लग रहा था। बर्थडे एक ऐसा दिन है ना जिसका कि हम साल भर इंतज़ार करते हैं और बस सोचते हैं कि उस दिन क्या करेंगे नहीं करेंगे। थोड़ा स्पेशल मोमेंट तो होता है, और यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आप ना मतलब लोगों को स्पेशल फील करा सकते हो। अब आपके घर में ही होता है, तो जैसे यही फ्लावर था तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा ना डेकोरेट करते हैं, तो इस तरह से मैंने चारों तरफ पे ये फ्लावर मैंने लगा दिया। साथ में जो लाइट थी ये LED लाइट थी, तो ये आपने देखा ही होगा, मेरे बर्थडे में देखा होगा, दिवाली वाले व्लॉग में देखा होगा और आगे भी आप देखोगे, क्योंकि ना हम इसको यूज़ करते ही रहते हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। एंड फाइनली जो है वो केक कटिंग का टाइम आ गया और रवि यहाँ पे टू के साथ केक कटिंग कर रहे हैं, क्योंकि टुकू को केक काटना बहुत पसंद है। तो हमारा जो ये दिन था ना आज का, रवि का बर्थडे, बहुत 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 अच्छा रहा। जैसा कि आप देख सकते हो, फैमिली के साथ कोई भी ओकेजन होना बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हो जाता है। तो इसी के साथ ये व्लॉग जो है यहीं पे एंड कर रही हूँ, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय।